नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। CAA संशोधित नागरिकता कानून, जो पिछले काफी समय से देश में बड़े बवाल का कारण बना हुआ है। पिछले काफी समय से CAA को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन चल रहे हैं। अब यूरोपीय संसद में CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। भारत ने कहा, यह हमारा आंतरिक मामला है। यूरोपीय संसद भारत के संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उसके कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान करेगी। संसद में इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट, नॉर्डिक लेफ्ट, नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट, GUE, NGL समूह ने प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर बुधवार को बहस होगी और इसके एक दिन बाद मतदान होगा। यूरोपीय संघ के 150 से ज्यादा सांसदों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कहा गया है, इससे भारत में नागरिकता तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव हो सकते हैं। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग स्टेटलेस यानी बिना नागरिकता के हो जाएंगे, उनका कोई देश नहीं रह जाएगा। सांसदों की तरफ से तैयार 5 पन्नों के प्रस्ताव में कहा गया है, इसे लागू करना दुनिया में बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। सांसदों ने प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि भारत सरकार द्वारा लाया गया ये कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये कानून धार्मिकता के आधार पर भेदभाव करता है। ऐसा करना मानवाधिकार और राजनीतिक संधियों की भी अवमानना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते के अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन बताया गया है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय सांसदों के इस प्रस्ताव में भारत सरकार पर भेदभाव, उत्पीड़न और विरोध में उठी आवाजों को चुप कराने का आरोप लगाया गया है। वहीं इसमें कहा गया है कि नए कानून से भारत में मुस्लिमों की नागरिकता छीनने का कानूनी अधिकार तैयार हो जाएगा। साथ ही नागरिकता रजिस्टर NRC के साथ मिलकर CAA कई मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर सकता है। सांसदों ने यूरोपीय संघ से इस मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं भारत की ओर से इस पर कहा गया है कि नया नागरिकता कानून पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। सूत्रों ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि CAA पर यूरोपीय संघ के मसौदा प्रस्ताव के समर्थक और प्रायोजक तथ्यों के पूर्ण आकलन के लिए भारत के साथ वार्ता करेंगे। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 15 के अलावा 2015 में हस्ताक्षरित किए गए भारतीय यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी संयुक्त कार्य योजना और मानव अधिकारों पर यूरोपीय संघ भारत विषयक संवाद का जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय प्राधिकारियों से अपील की गई है कि वे CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ रचनात्मक वार्ता करें और भेदभावपूर्ण CAA को निरस्त करने की उनकी मांग पर विचार करें। प्रस्ताव में कहा गया है कि CAA भारत में नागरिकता तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव करेगा। इससे नागरिकता विहीन लोगों के संबंध में बड़ा विश्व संकट पैदा हो सकता है और ये बड़ी मानव पीड़ा का कारण बन सकता है। CAA भारत में पिछले साल दिसंबर में लागू किया गया था, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि नया कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि इसे पड़ोसी देशों के उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उन्हें नागरिकता देने के लिए लाया गया है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।